सुना हो वो फिर से सुन लें। When both objects are moving in same velocity, same direction. When both objects are moving in same direction, then relative velocity is obtained. Then relative velocity is obtained by subtracting lower value. Lower value from higher value. ये है पहला टिप आज का। इसको जरा कोई बच्ची पढ़ दे तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने लिख लिया है। आप पढ़िए मानसी वर्मा, आप पढ़िए जरा। नहीं मानसी वर्मा को पढ़ने दीजिए, सब बच्चे पढ़े। If both of object are moving in same direction, then relative velocity is obtained of subtracting lower value from higher value. अब आप पढ़िए बेटा, कोई दूसरी बेटा पढ़े, बच्ची कोई पढ़े दूसरी। If when both objects are moving in same direction, then relative velocity is obtained by subtracting lower value from higher value. ठीक है, इशिता मिश्रा आप पढ़िए। If both objects are moving in same direction, then relative velocity is obtained by subtracting lower value from higher value. ठीक है, सब लोग अपने माइक को ऑफ कर लें। अब दूसरा टिप्स लिखें, सेकंड टिप्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ये भी है। व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर When both objects are moving in opposite direction, when both objects are moving in opposite direction, then relative velocity is obtained. Then relative velocity is obtained by subtracting. Relative velocity is obtained by by the addition of velocities. फिर से मैं बोल रहा हूँ, I am correcting my statement. सुनिए जरा फिर से। When both objects are moving in opposite direction, when both objects are moving in opposite direction, then relative velocity is obtained by adding, जोड़ना, by adding both velocities. Opposite direction का मतलब होता है एक east में जा रहा है तो दूसरा west में जा रहा है, एक north में जा रहा है तो दूसरा south में जा रहा है। तो ये पढ़िए, एक मिनट फोन आ रहा है जरा। चलिए बैक टू द क्लास, प्रिंसिपल का फोन आ जाता है, उठाना पड़ता है बीच बीच में। श्रेया पांडे आप पढ़िए, क्या लिखवाया दूसरा टिप्स। अच्छा नहीं पढ़ रही, आवाज नहीं होगी ये। श्रेया पाल आप पढ़िए। When both objects are moving in opposite direction, the relative velocity is obtained by the adding both velocities. अपोजिट डायरेक्शन तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ये, इसको बैक कैमरे से समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं। ये देखिए आपको एक फिगर दिखाई पड़ रहा हो जिसमें ऑब्जेक्ट ए ये 15 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, ये 10 किलोमीटर पर आवर से। तो लिखेंगे तो इस तरह से, आप अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा 10 25। अब इसमें मैंने डायरेक्शन कहीं नहीं लिखी है, डायरेक्शन लिखते तो माइनस करते,
तो मैग्नीट्यूड के लिए टिप्स है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसी तरह से अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। तो ये आपका चैप्टर 3 है, इतना ही है जितना बताया है मैंने। अब आज मैं इस पर MCQ भी भेज दूंगा शाम तक, प्रिपेयर करिए। चैप्टर 2 पर भी MCQ भेजा हुआ है, उसको आप लोग प्रिपेयर करिए, कॉपी पे लिखिए, उस जो क्वेश्चन है उसको करिए, जो ना समझ में आए उसको पूछिए। और चैप्टर 1 और 2 को मैंने बताया था कि उसका NCERT एग्जाम्पल नहीं करना है, लेकिन चैप्टर 3 से करना है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या है? पॉइंट मास हमेशा डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर रहा है। इफ द, जरा लिखिए लाइन में, कॉपी पे अपने आप कॉपी पेन लिए होंगे, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज मच लार्जर इन कंपैरिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट then it will be a point mass, मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट और मास का मैग्नीट्यूड कम है, जैसे कोई आपका परिचित है, आपकी सहेली है, आपके घर का कोई सदस्य है, अगर वो पक्के से कंपनी भाग आ रहा है तो डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर है, लेकिन अगर वो पक्के पर रॉकेट से बैठ के चंद्रमा पे जा रहा है तब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई ना, इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द मैन। अभी बोले ना, समझे अभी, जो भी आपका परिचित हो, जो भी आपके परिवार, माइक अपने ऑफ कर लें, फिर नहीं तो बाहर की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, मुझे भी सुनाई पड़ेगी, क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो भी आपको पूछना हो चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए। तो फिर से सुनिए, आपके परिवार का कोई सदस्य, आपकी कोई सहेली या आपका कोई परिचित पक्के से अगर कंपनी वाग आता है तो इस कंडीशन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं होती, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, मास आदमी का ज्यादा रहता है 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम। लेकिन अगर वही आदमी, वही परिचित, वही आपका रिश्तेदार, वही आपकी सहेली पक्के पर रॉकेट पर बैठ जाए और सीधे चंद्रमा पे पहुंच जाए तो इस कंडीशन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। तब वो जब चंद्रमा वाला एग्जाम्पल लेंगे तब वो आपके सहेली, रिश्तेदार, परिचित पॉइंट मास हो जाएगा, और कंपनी बाग वाला एग्जाम्पल लेंगे तो वो आपकी सहेली, मित्र, परिचित, रिश्तेदार, तब वो पॉइंट मास नहीं होगा। मतलब इसमें मेन चीज जो है वो डिस्टेंस का है, डिस्टेंस कितनी ज्यादा ट्रेवल। तो मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया, मतलब अगर डिस्टेंस 1000 किलोमीटर भी हो जाती है तो ऑब्जेक्ट पॉइंट मास हो जाता है। तो श्रेया पाल है बच्ची, आप पढ़िए क्या लिखवाया है।
If the magnitude of the distance traveled by the object is much larger in comparison to the magnitude of mass of the object, then it will be a point mass. Antima Yadav aap padhiye. If the magnitude of the distance traveled by object is much larger in comparison to the magnitude of the mass of the object, then it will be a point mass. गुड, ठीक है. किसी को कोई दुविधा हो, कोई दिक्कत हो तो पूछिए. पर फिर से पॉइंट मास बता दीजिए. मतलब चली गई डिस्टेंस बहुत. चलिए, और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछे. और अटेंडेंस का मैं नियम बता दे रहा हूँ. जो लोग इलेवेंथ ए के हैं, अब कौन इलेवेंथ ए का है, क्या पूछा प्रियंका त्रिपाठी सर, बुक के अंदर का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है. ये नहीं, एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इतना समय है, कर लीजिए सॉल्व, अच्छी बात है. एनसीईआरटी का सब कुछ सॉल्व करिए, लेकिन अब ये जो पहला पार्ट आपका है ये एमसीक्यू में चला गया है, तो एडिशनल से पहले के सारे सवाल करने, एग्जाम्पल करने ही करने, एग्जाम्पल करके ही आपको सवाल समझ में आते हैं. और किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, अटेंडेंस का नियम बता रहे थे कि अटेंडेंस 9:30 बजे इलेवेंथ ए की होती है. जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा उनके स्लिप पे लिखा होगा कि वो इलेवेंथ ए में है कि इलेवेंथ बी में है. एक बार अपने स्लिप को देख लीजिए, उस हिसाब से आप लोग अटेंडेंस दिया करिए. अटेंडेंस का रूल है कि पहले आइए, चैट बॉक्स खोलिए, चैट बॉक्स में यस सर लिखिए या प्रेजेंट सर लिखिए. सर लेकिन लिंक नहीं है मेरे पास. सर लेकिन लिंक नहीं है मेरे पास. क्वेश्चन भी कहा है. आप बी में हो? नो सर, ए में है. मैं ए का बता. नो सर, ए में है. ए में है तो लिंक अभी आज पड़ा होगा 11th वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे, देखिए जरा आज पड़ा हुआ है. यस सर, यस सर. तो आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करिए, अपडेट हो रहा है. देखिए टेक्नोलॉजी का एज चल रहा है, स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी, तो इस टेक्नोलॉजी के एज में टेक्नोलॉजी का यूज करिए और मैक्सिमम यूज करिए. तो जिन लोगों का एडमिशन हुआ है उन्हीं की अटेंडेंस लगाई जा रही है, सबकी अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है. तो अटेंडेंस का रूल ही है जो एडमिशन कराने के बाद ही ले. और जो 112 बच्चे एनरोल्ड हैं इसमें से 33 आज प्रेजेंट हैं, सबको बता दीजिएगा कि अगले हफ्ते से 11th का इनरोलमेंट प्रोसेस शुरू हो रहा है. तो दो चीज़ें करनी है. पहली चीज़ तो है कि जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनको एडमिशन करवा लेना, और दूसरी चीज़ जो है इंटरनेट की मार्केट पे अपनी स्पेलिंग चेक कर लेनी है कि मेरी नाम की स्पेलिंग सही है, पिताजी के नाम की स्पेलिंग सही है, माताजी के नाम की स्पेलिंग सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है. ये चार चीज़ें चेक कर लेनी है. आधार नंबर होता नहीं, जब आप आएंगे तो आधार उसी मार्कशीट के नीचे आधार नंबर लिख के आएंगे और एक सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे कि ऊपर दी हुई समस्त सूचनाएं मेरे ज्ञान के आधार पे सही हैं. इसलिए अपना नाम स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा जो 10th की मार्कशीट में है, बोर्ड की जो आई है फादर नेम मदर नेम सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा जरा. और अगले हफ्ते से इनरोलमेंट शुरू हो रहा है, जल्दी से आप लोग इनरोलमेंट करा लीजिए, नहीं तो फिर 16 अगस्त से धीरे धीरे हटाने का, फिल्टर हो जाएगा ग्रुप. फिर आपको प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा कि मुझे जोड़िए, मेरे पास क्या समस्या है, मैं एडमिशन क्यों नहीं ले रही हूँ. बी सीरियस इन दिस इश्यू. व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाता है, पता नहीं आपके फादर पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं. ये सूचनाएं जो भी विद्यालय से जाएं उनको अपने फादर को पढ़वा किया करिए, जो भी आपके गार्जियन हो उनको जरूर पढ़वाया करिए. अपने लेवल से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि थोड़ी बहुत भूल हो गई तो वो समझ लीजिए कि बोर्ड फिर उसको इतना हैवी पेनल्टी है कि आप ही जानेंगे फिर.
जो चीज़ें मैंने कही उसको, और कल मैंने ग्रुप में नोटिस डाला था कि जिन बालिकाओं को कंप्यूटर लेना है वो कंप्यूटर अपना नाम और कंप्यूटर लिख के भेजे, लेकिन मैं देख रहा हूँ 11th में से 3 नाम आए हैं अभी तक। तो क्या ये माना जाए कि तीन ही बच्चियों को कंप्यूटर पढ़ना है? तो ये सूचनाएं हैं, इसको सुन लीजिए सब लोग और थोड़ा ध्यान दीजिए, और अपने गार्जियन से कहिए कि ऐसा एनरोलमेंट प्रोसेस शुरू हो रहा है और जो एडमिशन नहीं लेने का क्या विकल्प है, एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो अब पहले चलिए रिजल्ट नहीं आ रहा था, ये तो बात, अब तो रिजल्ट भी आ चुका है। दो बच्चियों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे कहा था सर आर्ट साइड लेंगे, अच्छी बात है, कुछ कॉमर्स लेंगे, ठीक है, जिसको जो विजन है तो क्लियर है वो उस हिसाब से पढ़े। तो चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्लियर हो गया? जरा बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो माइक ऑन करके बताइए, और नहीं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस सर। 32 लोग प्रेजेंट हैं, सब लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में, अभी सिर्फ एक बच्चे ने लिखा है आंचल सिंह, अंतिमा यादव ने भी लिखा, मांडवी ठाकुर, पुष्पिका पटेल, सोनी चौधरी, शर्मिल विश्वकर्मा, प्रियांशी मिश्रा, आद्रिका पटेल। चलिए कितने लोगों ने चैप्टर 2 का जो मल्टीपल चॉइस भेजा था उसको कर लिया है, जल्दी बताएं, वो लिखें चैप्टर 2 मल्टीपल चॉइस यस सर, इस तरह लिखे चैप्टर 2 यस सर, इस तरह से लिखेगा। चलिए ठीक है, अब शुरू करने जा रहे हैं चौथा चैप्टर मोशन इन ए प्लेन। आपको मैंने पहले बताया था कि जो एमसीक्यू का पैटर्न है वो उसमें केस स्टडीज भी आएगा, असर्शन रीजनिंग भी आएगा, और जो एमसीक्यू आएंगे वो 3 तरह से आएंगे, फिनोमिना बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो उसी बेस पे वो क्वेश्चन दिए गए थे, आज क्वेश्चन फिर भेजेंगे चैप्टर 3 पे, और चैप्टर 3 का जो एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल उसको करते रहिए, जो दिक्कत हो व्हाट्सएप ग्रुप खुला हुआ है पूछ सकते हैं या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो चैप्टर 4 है मोशन इन ए प्लेन, इससे मोशन इन ए प्लेन मतलब इस पूरे जो प्लेन आपको दिखाई पड़ रहा है ये धरती आकाश लेके कैसे गति मोशन हो रहा है उसे कहते हैं। इसमें पहले हम लोग वैक्टर और स्केलर क्वान्टिटीज पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में हमने मेजरमेंट के बेस पे फिजिकल क्वांटिटीज का क्वालिफिकेशन किया था या क्लासिफिकेशन किया था। तो 2 क्वांटिटीज आई थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। आज डायरेक्शन का करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। 2 ग्रुप होते हैं, पहला होता है वेक्टर क्वांटिटीज और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटीज। तो पहले समझते हैं स्केलर क्वांटिटीज। देखिए अगर हम इसमें मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो उसका मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैंने बोला फोर्स 10 न्यूटन है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बोल रहा हूँ, 10। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड। आदमी 2 मीटर लंबा है तो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो ठीक है, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली अगली क्लास का आपका टाइम भी हो रहा होगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर द एग्जामिनेशन। चैप्टर 16 तारीख से ऑफलाइन क्लास हो रही है, जिन बालिकाओं ने एडमिशन नहीं लिया है वो तुरंत एडमिशन लें, क्योंकि अगले हफ्ते से बोर्ड का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक बार पीछे हो जाओगे तो पीछे ही रह जाओगे। और जिनको कंप्यूटर पढ़ना हो स्पष्ट रूप से अपने नाम के आगे कंप्यूटर लिख के 11th ए के ग्रुप में भेज दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।